एमपी में पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार, बोले सनातन को मिटाना चाहता है इंडिया गठबंधन। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा, बोले इन लोगों ने भारतीयों की आस्था पर चोट करने की रणनीति बनाई है। जयराम रमेश ने घमंडिया के जवाब में एनडीए को गंदा गठबंधन करार दिया, एनडीए से पहले गौतम अदाणी का नाम जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। चुनावी रैली से पहले बीना में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, बड़ी तादाद में उमड़ी भीड़, शिवराज सिंह भी रहे मौजूद। बीना की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट का किया जिक्र, कहा 140 करोड़ भारतवासियों ने G20 को सफल बनाया। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, संजय सिंह बोले बीजेपी ने सनातन का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। संजय सिंह पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का पलटवार, कहा संजय सिंह सनातन को नष्ट करने वालों के सदस्य हैं। सनातन पर जारी है सियासी घमासान, बीजेपी के नेता नितेश राणे बोले इंडिया गठबंधन का मकसद भारत से हिंदुओं को खत्म करना है। सनातन वाले बयान पर आरजेडी बोली महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सनातन का मुद्दा प्रधानमंत्री उठा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सनातन पर आघात करने वाले केवल शब्द बाण चला सकते हैं, उसे छू भी नहीं सकते। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचे पीएम मोदी, रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन, रोड शो भी किया। पीएम मोदी का भूपेश बघेल सरकार पर वार, कहा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने घोटालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी की बैठक में मध्य प्रदेश के 36 उम्मीदवारों पर लगी मुहर, जल्द होगा नामों का ऐलान। एमपी चुनाव से पहले बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा उमरिया पहुंची, बीजेपी के कई दिग्गज रहे मौजूद। एमपी के सीएम शिवराज सिंह पहुंचे सीहोर, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन, लोगों से की बीजेपी को वोट देने की अपील। राजस्थान के पुष्कर में देवेंद्र फडणवीस ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, कहा प्रदेश में बनेगी बीजेपी की सरकार। राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया नारा, कहा तख्त बदल दो, ताज बदल दो, गहलोत की सरकार बदल दो। 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में 4 अहम बिल लाएगी सरकार, पहले दिन संसदीय यात्रा के 75 साल पर होगी चर्चा। विशेष सत्र के एजेंडे के सामने आते ही कांग्रेस का केंद्र पर वार, पवन खेड़ा बोले चुनाव आयुक्त वाले बिल का करेंगे विरोध। 18 सितंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र को लेकर बीजेपी ने जारी किया व्हिप, राज्यसभा के सभी सांसदों को सदन में रहने के आदेश। कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप, विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में मौजूद रहने के निर्देश। विशेष सत्र पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले बोली हम राष्ट्र निर्माण के लिए दिल्ली जाते हैं, लेकिन इस सरकार में दिल्ली में ऐसा होता नहीं दिख रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट हम हैं, जो पहले एक दूसरे के साथ चाय तक नहीं पीते थे आज साथ हैं। राहुल गांधी को गडकरी की सलाह, कहा देश की बात देश में करनी चाहिए, विदेश में बोलना ठीक नहीं। नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया विश्व नेता, कहा भारत विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में आगे निकल चुका है। आज से पुणे में आरएसएस की सालाना बैठक, 36 संगठनों की मीटिंग में जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। एमपी कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह का आरएसएस पर हमला, कहा यह राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन है, अफवाह फैलाने वाली सोसाइटी है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की विधायक बेटी को ईडी का समन, घोटाले के मामले में कल दिल्ली में पेश होने को कहा गया। ईडी के समन पर केसीआर की बेटी के कविता का बयान, ईडी की कार्रवाई को बताया बीजेपी की साजिश। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार जेडीयू एमएलसी राधा चरण सेठ 14 दिन के लिए भेजे गए जेल, ईडी ने पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में किया था पेश। जेडीयू के विधायक राधा चरण सेठ की गिरफ्तारी पर भड़की जेडीयू, कहा सभी आरोप झूठे हैं और केंद्र ईडी का कर रही है गलत इस्तेमाल। यूपी में जारी वकीलों के आंदोलन को समाजवादी पार्टी ने दिया समर्थन, कहा अधिवक्ता बीजेपी सरकार का अहंकार तोड़ देंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दूसरे दिन तेज हुआ सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा, तलाशी अभियान में ड्रोन का इस्तेमाल। एनकाउंटर के बीच एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस, कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया, ओवरग्राउंड वर्कर्स पर आतंकियों की मदद का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक G20 के सफल आयोजन से बौखलाया पाकिस्तान, तालिबान के हमलों से ध्यान भटकाने के लिए रची गई साजिश। शहीद मेजर आशीष का अंतिम संस्कार कल दोपहर उनके पैतृक गांव भिंजहौल में किया जाएगा, कल आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। 4 सपूतों की शहादत के बाद गम और गुस्से में डूबा देश, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। अनंतनाग एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री फूलों की बरसात उन पर हो रही थी। अनंतनाग एनकाउंटर को लेकर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पाकिस्तान को करना होगा अलग थलग, हमलों के बीच सामान्य रिश्ते नहीं हो सकते कायम। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा बारामूला हाईवे पर मिला विस्फोटकों से भरा बैग, बम निरोधी दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज किया। मुंबई एयरपोर्ट पर प्राइवेट चार्टर्ड विमान फिसला, 3 लोग घायल, विमान में 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। मुंबई विमान हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है, मेन रनवे 27 पर हुआ हादसा।
राम मंदिर निर्माण का नया वीडियो जारी। श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी किया वीडियो। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया। जयपुर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 गुर्गे गिरफ्तार, एक महिला भी शामिल। 2 डॉक्टर्स को दी थी फिरौती की धमकी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए 1 अक्टूबर को जारी होगा विंटर एक्शन प्लान। आर्टिफिशियल बारिश कराए जाने पर भी चल रहा है विचार। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के घर आयकर विभाग की छापेमारी, कल से जारी। घर के अंदर हथौड़ा चलने की खबर। यूपी के महाराजगंज में एक डॉक्टर के घर एनआईए की छापेमारी, डॉक्टर के पाकिस्तानी कनेक्शन की बात सामने आई है। यूपी के हापुड़ में छात्रों के हाथ से कलावा और राखी उतरवाने का शिक्षक पर आरोप, स्कूल में परिजनों का हंगामा। लखनऊ में कार के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते वक्त ब्लास्ट, कई लोग घायल। यूपी के बरेली में एक बहू ने की सास को जान से मारने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के अमरोहा में आदमखोर तेंदुए की दहशत बरकरार, वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए बिछाया जाल। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा नाव हादसा, नाव में 30 लोग सवार थे, 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं।